राज्यपाल जी, देखिए ममता बनर्जी का यह कहना है कि जब इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम भेजी जा रही है, जो केंद्र की तरफ से टीम है जो कई राज्यों में जा भी चुकी है, उनका कहना है कि मुझे जब इसकी जानकारी दी गई गृह मंत्रालय की तरफ से, गृहमंत्री ने फोन पर बात की, उससे पहले ही केंद्र की टीम पहुंच चुकी थी, इसी वजह से उनका विरोध है। वो कह रही है कि इसका मकसद बताइए वरना टीम को हम नहीं आने देंगे। हालांकि अभी जानकारी आ रही है कि कुछ जगहों पर टीम आएगी, लेकिन उनका विरोध इस वजह से था क्योंकि तस्वीर साफ नहीं थी। धनखड़ साहब, मैडम मैं आपको आग्रह करूंगा, 8 महीने में मैंने ममता जी को देखा है, वो चाहे तब यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाती है। मैं आगा करता हूं मैडम, ऐसा मत कीजिए, ग्लोबल रिसोर्स लेती है, यूनिफाइड कमांड में विश्वास नहीं रखती। उस चिट्ठी को पढ़िए तो सही, भारत में एक कानून है, कानून के तहत ये कमेटी गठित की गई है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है और रिसेंट निर्देश है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सभी पर बाइंडिंग है, और वो कहता है वी ट्रस्ट एंड एक्सपेक्ट ऑल कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स, पब्लिक अथॉरिटीज एंड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल फेथफुली कंप्लाई विद द डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स इश्यूड बाय यूनियन ऑफ इंडिया इन लेटर एंड स्पिरिट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। मुझे विशेष अनुरोध आपसे करना है, एक अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है, दैट इज अ सुपीरियर अथॉरिटी, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, उस अथॉरिटी के आदेश पर तुरंत प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। क्यों ममता बनर्जी ने खुले दिल से वार्म हार्टेड रिसीव करते कि आप हमारी मदद करने आए हैं, हम तो देश के बाहर के लोगों की मदद ले रहे हैं, उनकी मदद लेने के लिए हम बड़े बड़े विज्ञापन छपा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम बहुत आगे जाकर मदद ले रहे हैं, तो देश की संस्था के तहत, देश के कानून के तहत एक कमेटी जो कई प्रांतों के लिए अलग बनी है, उन हालात में बताएंगे, आपको मदद करनी चाहिए थी। देयर वॉज ओनली वे, रिसीव देम, हेल्प देम, सीक देयर असिस्टेंस, अपनी समस्या बताइए, और वो कहीं कमी बताते हैं एक्सपर्ट लोग, ठीक है, दे विल, इट विल हेल्प अस, आई एम अ पेशेंट, मेरे लिए कोई 4 डॉक्टर और भेजता है, वो डॉक्टर मुझे एग्जामिन करके बताएगा, इट विल हेल्प मी, बट इमीडिएटली ड्रॉप ऑफ अ हैट टू टेक ओनली वन अप्रोच, मैं कहता हूं मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जिसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। माननीय राज्यपाल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप ममता बनर्जी सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पीडीएस स्कैम वहां पर हो रहा है, जो ट्विटर पर लगातार आप जानकारी दे रहे हैं कि जो राशन बटना चाहिए उसको सरकार वहां पर रोक रही है, एक बड़ा स्कैम आप देख रहे हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी वहां पर ममता सरकार के बहस पर जिस तरह से काम कर रहे हैं वो केंद्र के खिलाफ है। संगीन इल्जामों के बीच ये पूछा जाएगा कि बतौर राज्यपाल क्या है प्रमाण आपके पास जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, इन सब पर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि यह आरोप है कि संघीय ढांचे पे कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यपाल की कुर्सी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। राज्यपाल जी, देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपने जितने प्रश्न मेरे से पूछे हैं उन प्रश्नों की आप धारा देखिए, उस धारा को रिवर्स कीजिए, ये क्वेश्चन उनसे पूछिए कि 8 महीने तक ऐसा आपने क्यों किया, क्यों ऐसे राज्य की दुर्दशा कर दी है, क्यों पीडीएस के मामलों में ध्यान नहीं दिया है, क्यों आपने वो नॉन एसेंशियल आइटम्स के आदेश जारी किए हैं। आई कैन बी अकाउंटेबल ओनली टू द एक्सटेंट आई एम कंसर्न, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार में वर्तमान में क्या हो रहा है मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, ये उनका आपस में विषय है, मेरे समक्ष भी विषय राज्य सरकार लाएगी, मैं उसको डील करूंगा, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा इस गंभीर अवस्था के अंदर प्लीज कोऑपरेट, कोऑपरेट, कोऑपरेट एंड डोंट बी इन कन्फ्रंटेशनल मोड, ये मेरा आग्रह है। हम मैं जनता के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ हूं, कंधे से कंधा की मिलकर जनता की सेवा करना चाहता हूं, पर उनके रवैये को मैं सही नहीं पाता, और 8 महीने से ज्यादा समय से जो मैंने देखा है संविधान उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, वो अपने आप को स्वयं भू कानून मानती हैं, हालात की नजाकत देखते हुए, स्थिति को सीरियस मानते हुए मेरा रिक्वेस्ट मोड अभी जारी है, और जहां तक मुख्य सचिव हैं, 100% डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस, राज्यपाल को जो कागजात कानून के तहत मिलने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिलने चाहिए, जो साफ लिखे हुए हैं, जिनके बारे में 3 चिट्ठियां दे चुका हूं, बुलाकर उनको समझा चुका हूं, अनुपालना नहीं की गई। आई थिंक समटाइम्स टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन हवन में आहुति देनी पड़ती है। आई विल नॉट शर्क, आई विल परसिवियर
परसुएड, जितना झुकना है झुकूंगा, पर संविधान के अंदर कार्य करते हुए कमजोरी नहीं दिखा सकता। मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से ममता बनर्जी को, शी इज प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड बट शी इज नॉट, शी इज ट्राइंग टू मेक एवरी वन विक्टिम। जो ममता बनर्जी देश के बाहर जाकर लोगों की मदद ले रही हैं, उनको क्या परेशानी हो सकती है कि भारत सरकार ने एक कानून के तहत कोई कमेटी भेजी है जो सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं अन्य प्रांतों में भी गई है। वो कमेटी यहां क्या कर लेगी? वो कमेटी सहयोग के लिए आई है, कमेटी एनालाइज करेगी, कमेटी यदि हमारी कोई कमी देखेगी, क्या कमी है इसके अंदर, उस कमी को दूर करेंगे, मदद मिलेगी। द एंटायर स्टैंस हैज टू बी चेंज। इफ वी डोंट चेंज दैट स्टैंस, वी आर प्लेइंग विद फायर, वी आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द पीपल, एंड दिस इज नो टाइम टू प्ले विद द फ्यूचर ऑफ द पीपल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।